हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लाए हैं एक अमेजिंग फ़ोन का अनबॉक्सिंग वीडियो, जो कि डब्बा आपको दिख रहा है, जो कि ये फ़ोन का लग नहीं रहा है, लेकिन ये फ़ोन ही है। जहाँ पूरा ब्लैंकिंग है, नथिंग है, कहने का मतलब है कि कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा ऑड लग रहा है कि कुछ डब्बा के फ़ोन के ऊपर कुछ है ही नहीं, प्रिंटिंग ऐसा नथिंग टाइप का, तो फ़ोन भी नथिंग है। तो जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग करते हैं वीडियो। और अनबॉक्सिंग करने से पहले डब्बे के पीछे किसकी हेड पॉइंट भी कुछ नहीं दिया है, तो थोड़ा सा अजीब टाइप का है। 8 GB है, 256 GB वेरियंट के साथ है, और कलर है ब्लैक। तो जल्दी से वीडियो फ़ोन को अनबॉक्सिंग करते हैं दोस्तों। किधर से खोलना है, इधर से भी खोलते हैं। तो ये रहा हमारा पहला वीडियो। ओह सॉरी, यहाँ से तो स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, खालो ना धीरे धीरे। हाँ और देख लेते हैं और डब्बे में क्या क्या है। ये रहा फोन के अंदर कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, और भी देख लेते इसमें क्या क्या है। केबल दिया है, टाइप सी टू टाइप सी है। एक तो चार्जर नहीं, ऊपर से टाइप सी टू टाइप सी, इसके लिए अलग से आपको चार्जर खरीदना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा अगर आप नथिंग फोन ले रहे हैं जी। और फाइनल है, डब्बे में कुछ है नहीं, नथिंग है। अब फोन भी नथिंग ही है, जल्दी से इसका पूरा एकदम खोलना ही पड़ेगा इसको। वाह क्या फोन है, नथिंग, पूरा बॉक्सी डिजाइन के साथ है आपको, तो थोड़ा सा अलग लुकिंग डिजाइन के साथ है। पूरा ट्रांसपेरेंट बैक डिजाइन दिया हुआ है, पीछे की साइड में एक लाइटिंग यहाँ दिया हुआ है, वो आपको थोड़ा देर में हम दिखाएंगे। और बोला जा रहा है कि इसका सब कुछ दिखता है, इसका कुछ नहीं दिखता है, बस बैक में ही ऐसा डिज़ाइन दिया हुआ है ट्रांसपेरेंट टाइप का। नट बोल दिख रहा है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर डिस्प्ले पे ही है, क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ है। और जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्किप, जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। ये नथिंग का पहला फ़ोन है, इसका और भी फ़ोन आने वाले हैं इन फ्यूचर, आई होप सो इससे बढ़िया फ़ोन निकाले। तो ब्राइटनेस पूरा फुल कर देते हैं, और ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ 120 Hz का रिफ्रेश रेट वाला फ़ोन है। डिस्प्ले क्वालिटी, टच रिस्पॉन्स काफ़ी फास्ट है, 6.56 इंच का डिस्प्ले दिया हुआ है। बेजल चारों साइड से, एक्चुअली क्या है कि आपको सेम ही बेजल्स मिलेंगे, ये चीज़ थोड़ा गौर करने लायक है। चारों साइड से एक होता है कि चीन भी थोड़ा सा बड़ा रहता है, चीन भी सेम ही है, जहाँ की सारा आपको बेजल्स आपको दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा अजीब टाइप का है, फर्स्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम नथिंग फ़ोन का। सिस्टम में जाने के बाद अबाउट में जाते हैं, देखते हैं इसमें और क्या क्या मिल जाता है। जैसे सॉफ्टवेयर OS में आपको अप टू 16 GB यूज़ किया हो, 256 GB में, 8 GB रैम है, बैटरी परसेंटेज आपको बता रहा है, मॉडल नंबर बता रहा है, और एंड्रॉयड 12 के साथ है, और ये अपडेटेड भी हो जाता है आपको। तो ये रहा। अब प्रोसेसर की बात करो तो 778 का 5G चिपसेट इसमें दिया हुआ है, जो कि ये स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, तो ये अच्छी बात है। और कैमरा की बात करें दोस्तों, तो कैमरा जो है नथिंग का देख लेते हैं दोस्तों। एक पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटो खींच लेते हैं,
तो कैमरा क्वालिटी सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें ट्रू नेचुरल कलर आपको इसमें दिखा रहा है, कोई भी आपको अलग से कुछ मिक्सिंग किया हुआ नहीं है। ये बैक कैमरा है और फ्रंट कैमरा देख लेते हैं दोस्तों। और फ्रंट कैमरा का डिटेलिंग भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन कलर कुछ ज़्यादा पंची नहीं दिख रहा है, देखने में लाइक आईफोन का जो फ़ोन का कलर जो होता है उसी टाइप का है। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो इसमें आप 1080p पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 120 हर्ट्ज तक, और बहुत सारे यूनिक फीचर दिया है, स्लो मोशन है। वीडियो 1080p में 60fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्टेबलाइजेशन मोड भी है, आपको वॉइस का सपोर्ट दिया है तो जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, और फ्रंट में भी देखा जाए दोस्तों तो 1080p में 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एटलीस्ट कम से कम 60fps का फ्रेम रेट इसमें होना चाहिए था फ्रंट कैमरा में। और ऑल मोड में आपको पैनोरामा मोड वगैरह सब चीज़ आपको दिया हुआ है। डुअल व्यू कैमरा के इसमें ऑप्शन आपको मिलता नहीं है, और थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पता नहीं को दोस्तों क्यों, क्योंकि अंडर 30,000 के रेंज में डिस्प्ले थोड़ा मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि ये स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आता है। और ये रहा दोस्तों इसका अनबॉक्सिंग वीडियो, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों, आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।